नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। एनआरसी एनपीआर सीएए को लेकर अब हर शहर में जगह जगह महिलाएं शाहीन बाग बना रही हैं, सड़कों पर बैठकर रात दिन गुजार रही हैं और सरकार से कह रही हैं सीएए एनआरसी एनपीआर वापस लो। लेकिन अमित शाह पिछले दिनों कहा था, मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, अपने भाषण में कहा था, वही अब महिलाएं कह रही हैं सीएए एनआरसी एनपीआर वापस नहीं लेंगे, तब तक हम आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मुंबई के एक सभा में एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी सरकार ने जो कानून लाई है, इस कानून से सबसे ज़्यादा महिलाओं पर असर पड़ेगा। और ट्विटर पर भारत माली ने लिखा, जिस तरह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे सीएए के विरोध में औरतें धरने पर बैठी हैं, मर्द रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि नोटबंदी के वक्त महिलाएं बैंकों के बाहर घंटों कतारों में लाइन लगाकर खड़ी थी, तब ये चीज़ क्यों नहीं सोचे थे मोदी सरकार? एक वो भी समय था जब विरोध को विपक्ष कहते थे, आज विरोध को देशद्रोह के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं अमित शाह की। आज दिल्ली में अमित शाह की सार्वजनिक कार्यक्रम चार जगहों पर हुए, तीन जगहों पर सभाएं हुई हैं, एक जगह पर रोड शो हुआ है। पालम में किए गए चुनावी रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा, 8 फरवरी को तय हो जाएगा कौन शाहीन बाग के साथ है और कौन बीजेपी सरकार के साथ है, और 8 फरवरी को ऐसा बटन दबे जो करंट सीधा शाहीन बाग में लगे। देखो भैया, बटन तो आप कमल पर जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन हमारे नजफगढ़ में दबे और करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। बहरहाल महिलाएं जगह जगह अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं एनआरसी के खिलाफ। गोवंडी के शिवाजी नगर में प्रदर्शन किया गया। प्रहार टाइम्स के रिपोर्टर सबिया हुसैन शेख ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किस तरह से की है, क्या वहां के लोगों की मांग थी, जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या मांग थी, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम्स से, मैं सबिया हुसैन शेख। हम मौजूद है शिवाजी नगर गोवंडी में। यहां पे भी एक शाहीन बाग वापस से जमा हो गया है। यहां की कितनी लेडीज़ें जमा है एनआरसी और सीएए के खिलाफ, यहां पे काफ़ी भारी तादाद से यहां पे भी लेडीज़ है और धरना प्रदर्शन कर रही है सीएए के और एनआरसी के खिलाफ। अब हम यहां पे कुछ लेडीज़ों से बात करते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि तुम्हारे पास जो भी अगर पुराना डॉक्यूमेंट्स रहेगा तभी सरकार यहां पे तुमको रखेंगे, तो इस पर आप क्या कहोगे? मैं बोलती हूं कि हमारे बाप दादा घरों में पैदा हुए, उनके पास अपना कोई प्रूफ नहीं है। मैं हॉस्पिटल में पैदा हुई हूं, मेरे बाप दादा का कहां से लाने जाऊंगी? घर भाड़े से रहते, घर चेंज करते, बाढ़ आती है। अभी जो बाढ़ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आया है 2005 26 जनवरी को जो है, अमित शाह बोल दे कि किसी को भी प्रूफ नहीं है। अरे वो बाढ़ों में लोगों का गांव देश देहात के लोग शहर में आके बसे रोजी रोटी के लिए, तो वो कहां से जाएंगे? हर साल तो बाढ़ आती है, हर साल गांव डूबता है, हर गांव बाढ़ में, हर साल गांव में लोग मरते हैं, तो कागज पत्र कहां रखेंगे? सरकार अभी इस वक्त तो अंधा और गूंगा है, सुन नहीं रहा। इसके लिए हम माँ बहने औरतें जवान बुढ़ी बच्चे सब इस एनआरसी के लिए हम लोग इसके खिलाफ बाहर आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की आंख खुले और देखे कि ये संविधान के खिलाफ है। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ हो। और हम पहले जैसे हम नोटबंदी में लाइन में लगाया गया था, फिर हमारे ऊपर जीएसटी लागू कर दिया गया था, नोटबंदी ने हमारे घर में भुखमरी कर दिया, जीएसटी ने हमारे मर्दों की कमाई का कमर तोड़ दिया। अब ये हमारे को देश से, पहले तो हमारे मुंह से रोटी छीनी गई, अब हमारा घर छीना जा रहा, हमारे वतन छीनने की बात की जा रही है। इसके खिलाफ हम औरतें जो पर्दे में रहने वाली है, आज वो अपना पर्दा घर पे छोड़ के, हम बहनें बेपर्दा होके अपने संविधान को बचाने के लिए घर से बाहर निकले।
दिल्ली के शाइनबाग लेडीजों के लिए आप क्या कहोगे और उनको किस बात का हौसला देना चाहोगे? मैं मेरी बहनों को हौसला देना चाहूंगी कि वो जो बलिदान दे रहे हैं वो उनकी बलिदान सर आंखों पे आज वो जो कर रही है उससे पहले की कोई कई औरतें नहीं कर सकी, और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे हम लोग भी वही काम करेंगे। यहीं पर और भी कुछ महिला हमारे साथ मौजूद है, उनका इस धरना प्रदर्शन से कितना क्रोध कितना गुस्सा इजहार हो रहा है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वो किस वजह से खड़े हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं कि एनआरसी के खिलाफ आप यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहोगे? मैडम मैं यही कहूँगी कि मेरा नाम है अलवल खाला, हम लोग 2 बजे से परेशान है। मोदी सरकार जब आई है तो हम लोग के दिल में बहुत तसल्ली डाली है और हम लोग को गुमराह किए। पहले तो हमारा नोटबंदी किए, फिर हमारे आदमियों को और हमारे भाइयों को माँ बहनों को रोजी रोटी छोड़े, फिर उसके बाद अभी जेवर का बवाल किया है कि 23 ग्राम जेवर KDM का बंद करो। अब माँ बहनों से परेशान है, 2 बजे से हमारी बहनों अपने छोटे छोटे बच्चे के लेके हैं। अगर मोदी सरकार अगर ये अपना कानून अपने पीछे नहीं लिया तो हम लोग अपनी जान की बाजी लगा के मोर्चा निकालते रहेंगे। तो आपने सुना गवंडी के शिवाजी नगर में महिलाओं का प्रदर्शन हुआ, ये महिलाओं की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और आज भारत बंद बुलाया गया था जिसका असर देखने को मिला। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।